Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये यार क्या खा के पैदा किया था इसे पता नहीं। तुमसे ज्यादा तो देखो ये डर है। क्या देखो, ये देखने वाली चीज है, बंद करो, लेके जाओ इसे यहाँ से। मैं इसे गार्डन में इसके बेस्ट फ्रेंड के पास छोड़ कर आती हूँ। अरे कहीं पर भी छोड़ दो, बस यहाँ पर मत छोड़ो, लेके जाओ इसे। घर में कॉकरोच है। पागल हो क्या? कोई कॉकरोच से डराता है? ताकि बाहर भी कोई इसे छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें। मुझे नहीं, राधा को मत छोड़ो। मतलब मोहन देखो ना, राधा के गाल कितने एप्पल की तरह रेड रेड है ना? उसकी आंखें तो बिल्कुल पीजून की तरह ड्रीमी है ना राधा? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। पूछो ना राधा से, तुम तो राधा का गॉड हो ना, और राधा तुमसे झूठ नहीं बोलेगी है ना राधा? क्या हुआ, तुम इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? नहीं नहीं मोहन जी, हम क्यों बदले बदले लगेंगे, हम तो ऐसे ही हैं। नहीं नहीं मैं बता दूं राधा, तुम नहीं बता रही तो मैं बता देती हूँ। बता दे दूं मैं? क्या बता रहे? क्या पता बच्ची है ना। क्या हुआ राधा? लड़की छोड़ के भाग गई मुझे, और भी कॉकरोच है क्या यहाँ पर? तो चिल्ला के क्यों गई हो? तुम क्या सुनी हो? मुझे लगता था कि आपका हाथ सिर्फ मुझसे छीनने के लिए उठता है, पहले तुलसी फिर गुनगुन प्रभु राधा। मेरी राधा को बेचने चला था तुम? हाँ, तुम्हें मोहन से शादी करनी है? आज तक ना मेरा सर दो ही लोगों के सामने झुका है, मेरी माँ और तुलसी, और अब तुम्हारे सामने झुक रहे। कितना हमारी तरह समझदार है, उसे भी पता है कि किसे डसता है। अब देखना, ये राधा रानी थोड़ी देर में अपने बाकी बिहारी के पास चली जाएगी। राधा कहाँ? हाँ शेखर भैया, आप कब आए? अरे मैं तो अभी भी आया हूँ, लेकिन तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? मोहन, हम
क्यों मोहन जी के ख्याल में खोएंगे? शेखर भैया आप कुछ भी बोलते हैं। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ मोहन कहाँ पर है? ओह रहने दो तुम, मैं ढूंढ लेता हूँ। देखा देखा बिटिया तूने, ये राधा रानी हमारे मोहन के पैर में कैसे खोई खोई रहने लगी है। राधा को जाने दो, पहले ये सोचो कि वो सांप कहाँ खो गए। लड़की भी पता नहीं कहाँ चली गई। किस लड़की की बात कर रहा है? राधा और कौन? हाँ और कौन। अरे उसके लिए टेस्ट पेपर्स तैयार किए थे मैंने, पता नहीं कहाँ भाग गई। बस सबका ख्याल रखती है, खुद का ख्याल रखना ही नहीं है उसे, ना पढ़ाई ना तबीयत, किसी बात का ख्याल नहीं है उसे। तो तुझे उसकी हर बात का इतना ख्याल क्यों है? अरे मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अरे ये तो अजी जीजा जी की लाइन हो गई। अरे तू सीरियस हो जा यार, वो ना टाइम से सोती है ना टाइम से खाती है, पता नहीं क्या करती रहती है, भाग दौड़ करती रहती है। तो तुझे इस बात से टेंशन है? टेंशन तो होगी ही ना। क्यों? क्या मतलब क्यों? अरे भाई जब राधा को अपना ख्याल नहीं है तो नहीं है, तुझे इस बात से इतनी टेंशन क्यों हो रही है? और आज तक मैंने तो तुझे कभी भी किसी लड़की के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट दामिनी के लिए भी नहीं। हाँ क्योंकि राधा जो है वो खास है। नहीं बहुत खास है। मोहन से बात करके देखती हूँ, पता तो करूं कि उसके मन में क्या है। मोहन के मन में भी राधा है, पर अभी शायद मानेगा नहीं, लेकिन अगर आप जोर दे देंगे ना तो वो जरूर मान जाएगा। आप प्लीज उसे समझाइए। भाई देख एक बात तो बहुत साफ है कि तुझे राधा का बहुत ख्याल है। राधा तो तुझे पहले से अपना भगवान मान चुकी है और अब तूने भी उसकी जिम्मेदारी ले ली है और उसने गुनगुन की। यार मेरे मन में ना एक बात है, बोल दो। रुक है कभी? यार देख तू दामिनी से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि तुझे गुनगुन के लिए एक मां चाहिए, लेकिन उस बोरवेल वाले किस्से के बाद अब तक तो पूरा देश ये बात मान चुका है कि गुनगुन के लिए राधा से बेहतर और कोई मां नहीं हो सकती। इनफैक्ट गुनगुन के लिए नहीं तेरे लिए भी राधा से बेहतर जीवन साथी और कोई नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल सही कह रहे हैं शेखर भैया। क्या बोल रहा है तू? मैंने कभी राधा को उस नजर से देखा नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।